तो वही छत्तीसगढ़ स्कूल रसोईया संघ की हड़ताल लगातार जारी है। पिछले 58 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक, जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रसोईया संघ नजर आ रहा है, जिससे परेशानी बच्चों की भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाकर बच्चों को खिलाने वाले रसोइयों की हड़ताल का करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका है। रसोइयों की हड़ताल की वजह से प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन मिलने में परेशानी हो रही है, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर ना तो सरकार और ना ही रसोइया महासंघ झुकने के लिए तैयार है। रसोइया संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने की जिम्मेदारी रसोइया संघ की है। साल 2009 से अब तक मानदेय के रूप में केवल 1500 रुपए दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1000 रुपए और 500 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। रसोइया संघ अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा है, सरकार से अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहा है। हड़ताली रसोइयों का कहना है कि 1500 रुपए के मानदेय में उनके पूरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई बार मानदेय बढ़ाने की मांग की गई, इसके बावजूद सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा सालों से उन्हें रेगुलर करने का वादा किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया। ऊपर से बिना किसी वजह काम से कभी भी हटा दिया जाता है। इस मनमानी को तत्काल बंद कर दिया जाए। जो मांगे हैं 4 सितंबर से धरना पर बैठे हैं, लगभग अब 2 माह होने वाला है। मतलब कलेक्टर दर दिया जाए और रसोइयों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, रसोइयों को निकाल बाहर बंद किया जाए। आगे क्या आप लोग की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हड़ताल के 55 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही हड़ताली रसोइया झुकने के लिए तैयार है। रसोइया संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम काम पर नहीं लौटेंगे। जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक हड़ताल चले। क्या है अभी आगे? और सरकार और रसोइयों की इस अड़ियल रवैये का हल कब तक निकलता है ये तय नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा स्कूलों के वो बच्चे भुगत रहे हैं जिन्हें इन रसोइयों की वजह से मध्याह्न का अच्छा भोजन मिल पाता था। बीते लगभग 2 महीने से रसोइया संघ के कर्मचारी जो हैं आंदोलन में हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि 50 रुपये प्रतिदिन की दर से जीवन यापन करना असंभव सा है। कम से कम कलेक्टर दर की जो सैलरी है उन्हें मुहैया कराया जाए ताकि उनके जीवन को बेहतर तरीके से वे जी सकें। अब देखना होगा कि ऐसे में कब तक उनकी जो मांगे हैं पूरी हो पाती हैं और रसोइया संघ हड़ताल छोड़कर वापस स्कूलों में पहुंचता है। न्यूज स्टेट के लिए मैं जयंत कुमार रंगारी, अंतागढ़। तो छत्तीसगढ़ रसोइया संघ की हड़ताल लगातार जारी है, प्रदेश भर में चल रही है, और इसकी वजह से जो हड़ताल है उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि रसोइया संघ की हड़ताल की जानकारी सरकार के ध्यान में भी है, उनकी हड़ताल पर मांगों के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। रसोइया संघ की हड़ताल के बारे में जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हाँ देखिए, उसमें जानकारी में तो है, सरकार की जानकारी में है और कई बार बातचीत भी हुआ है और उसके लिए कमेटी भी बनी हुई है। तो सरकार उनके जो मांग है उनके प्रति गंभीर है और जैसा भी हो सकता है उसमें आगे उसमें उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ रसोइया संघ की तरफ से लगातार ये हड़ताल चल रही है, लेकिन मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम को आपने सुना, वो ये कहते नजर आए कि जानकारी में भी है सरकार की, एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन 58 दिन से अगर ये हड़ताल चल रही है और मंत्री जी ये कहें कि उनकी जानकारी में भी है, तो फिर अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि और कब उन्हें इसमें जो उनकी मांगे हैं उनके पूरे होने की संभावनाएं कब तक रहती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश लगातार बने हुए हैं। अंकुश, मंत्री प्रेम सिंह से टेकाम का भी हमने ये बयान सुनवाया, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की नजर में ये मामला है, कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन अगर 58 दिन से रसोइया संघ की हड़ताल चल रही है और मंत्री जी ये कहें कि उनके नजर में मामला है, तो कब उनके जो मांगे हैं उन पर सुनवाई होगी, कब उनकी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कुछ बैठक होगी और कुछ निर्णय निकलता नजर आएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की परेशानी भी बढ़ा रहा है।
देखिए आदर्श, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से 58 दिनों से स्कूल रसोईया संघ की हड़ताल चल रही है, उससे स्कूली बच्चों की परेशानियां तो बढ़ी हुई हैं, साथ ही अभिभावकों भी की भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। उससे ज़्यादा परेशानी इन रसोईया संघ के जो सदस्य हैं या पूरे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से इस तरीके का काम कर रहे हैं और अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अपने आप को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। और ये मांग वाजिब भी है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम इस तरीके के कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करेंगे या फिर उनको परमानेंट करेंगे, कई तरह की बातें हैं। और जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब ये प्रॉमिस किया गया था तो स्वाभाविक है इनकी हड़ताल भी जायज है। अब चूंकि शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआत में राजधानी मुख्यालय पर रसोईया संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने सदस्यों के साथ राजधानी मुख्यालय पर इकट्ठे हुए थे और राजधानी रायपुर के धरना प्रदर्शन स्थल पर इन्होंने अपनी हड़ताल शुरू की थी। कई दिनों तक हड़ताल चलने के बाद उनको आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को निराकरण के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने कई बार इनके पदाधिकारियों से बातचीत की है। अब चूंकि सरकार की परेशानियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगर इनको एकदम से परमानेंट किया जाएगा या फिर इनका वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है तो सरकार के ऊपर कितना भार आएगा, उस भार को लेकर वार्तालाप चल रही है, उस भार को लेकर चिंता की जा रही है। अब लेकिन मामले में कोई निर्णय निकलता है, कब इनकी हड़ताल खत्म होती है, कब छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी राहत मिल पाती है। अंकुश आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे।